हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रुकिन स्माइल है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ब्रुकिन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको कुछ बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, और हमने डिफाइन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब किसी भी चीज़ को बांटा जाता है, क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो बांटने का कोई ना कोई एक बेस होता है। कोई भी चीज़ अगर बांटी जाए तो बांटने का कोई ना कोई एक बेस होता है। एग्जांपल के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, ऐसे इस समय खूब गाँव गाँव में खूब मुर्गे बट रहे हैं, तो मुर्गा बांटने का यहाँ पर जो बेस है वो क्या क्या हो सकता है, इस समय जो माहौल है उसके हिसाब से जो चुनाव है गाँव में, तो भैया खूब मुर्गा बट रहे हैं। हो सकता है किसी के यहाँ शादी पड़ी हो तो मुर्गा बट रहा हो। तो तमाम तरह के कारण, बेस का मतलब कारण, जब कोई भी चीज़ बांटी जाती है तो बांटने का एक कारण होता है। तो यहाँ पे मुर्गा बांटने का कारण एक हो सकता है चुनाव, एक हो सकता है शादी, हो सकता है किसी और कारण से बांट रहे हो मुर्गे को। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने उस दिन जब क्लासिफिकेशन किया था वहाँ पर बताया था, मैंने एक बेस लिया था, एक कारण लिया था कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने का, और वो कारण था हमारा क्या, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के बेस पे। नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के बेस पे उस दिन मैंने बांटा था। नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के बेस पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स चार टाइप का मैंने बताया था उस दिन आपको। पहला क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स। दूसरा होता है डाइसेक्राइड। थर्ड होता है ओलिगोसेक्राइड, और फोर्थ मैंने आपको बताया था पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, आज हम फिर से क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। उस दिन नहीं क्लासिफिकेशन किया था, उस दिन हमारा जो कारण था वो क्या था, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के बेस पे चार टाइप के। नहीं समझाया तो जाके पीछे वाली वीडियो देखें। आज हम डिफाइन करने वाले, मतलब क्लासीफाई करने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को फिर से क्लासीफाई करने वाले हैं। लेकिन आज जो हमारा कारण है वो कारण है रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्शन करने की बेस पर अगर कार्बोहाइड्रेट को बांटा जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आइए जानते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, हम एक सिंपल सा उदाहरण, ऐसा होता नहीं है, सिंपल से उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे आपके सामने एक कटोरी ले लें, हालांकि आप लैब में कटोरी नहीं लोगे, वहाँ आपके पास टेस्ट ट्यूब होगा, उसमें ये चीज़ आप परफॉर्म करोगे। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। आप इसमें कार्बोहाइड्रेट ले लो, कोई कार्बोहाइड्रेट डाल दो, और इस कार्बोहाइड्रेट को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आप फेलिंग सॉल्यूशन, हमको पता है, आप सोच रहे हो कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। भैया मार्केट में जाओ, फेलिंग सॉल्यूशन यही इतना बड़ा शीशी में मिलता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का फेलिंग सॉल्यूशन इतना बड़ा शीशी में होता है। तो सुनो, एक कटोरी लो, कटोरी में अब यही मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है फेलिंग सॉल्यूशन को उसमें मिलाओ, तो हमारे सॉल्यूशन क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप हीट करो, अगर ये ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो जाए तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया था वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होगा, वो होगा रिड्यूसिंग शुगर। अगर ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाता है, इसका मतलब हमने जो लिया था वो क्या था, वो रिड्यूसिंग शुगर था। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट था, वो रिड्यूसिंग शुगर था। और अगर ब्लू से रेड कलर नहीं होता है, मतलब कि ब्लू से ब्लू ही रह जाए, रेड कलर में चेंज ना हो, ब्लू से रेड में चेंज ना हो, ब्लू का ब्लू ही कलर में रह जाए, तो इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ये आई थिंक मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको अगर फेलिंग सॉल्यूशन जानना है, देखना है,
मार्केट में जाइए, इतना बड़ा सीसी आता है, ब्लू कलर का होता है। बोलिएगा भैया, ब्लू कलर का होता है, आप बोलिएगा भैया कि हमको एक फेयरिंग सॉल्यूशन दे दीजिए, आप ये करके देखिए, कार्बोहाइड्रेट मिलाइए और गर्म कीजिए, गर्म करने पर अगर ब्लू से रेड भी चेंज हो गया दैट इज कॉल्ड रेडिशिंग शुगर, अगर ब्लू से हमारा कोई कलर में चेंज हो गया, ब्लू के ब्लू ही रह गया, इसका मतलब दैट इज नॉन रेडिशिंग शुगर हमारा होगा। ठीक है, ये तो हुआ। हमने हमने बोला ना, कार्बोहाइड्रेट को बांटने का बहुत ढेर सारा कारण बेस है, बहुत ज़्यादा। एक बेस हमको पता था नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के बेस पे, जो उस दिन बताया था। आज हमने जाना रिएक्शन के बेस पे, मतलब रिएक्टिविटी के बेस पे। लेकिन एक और तरीका है क्लासिफाई करने का, मतलब कि अगर हमको क्लासिफिकेशन करना हो किसका, कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका तीसरा एक और कारण, एक और तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और वो जो कारण है वो है फंक्शनल ग्रुप के बेस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये भी दो टाइप का होता है। पहला एल्डोज और दूसरा आता है कीटोज, एल्डोज कीटोज। ठीक है, सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम फिर से बांट सकते हैं, और इस बार जो हमारा बांटने का बेस है वो है फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हमारा कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है, एल्डोज एंड कीटोज। तो सुनो, पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप को आपने क्लास 12th में पढ़ लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं पढ़े हो तो नाम सुन लो, आपने पढ़ा नाम सुना होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, CHO। कीटोन ग्रुप, कीटोन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ए, डबल बॉन्ड ओ। और भी आपने जाना होगा एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, तमाम तरह के ये हमारे फंक्शनल ग्रुप। अभी और भी बहुत सारे हैं, आपने पढ़ा होगा। देखो, इसी की बेस पे, इन्हीं में से हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट को बांटा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्डोज, दूसरा होता है कीटोज। तो सुनो, किस कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डोज कहेंगे, हम उस कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज कहेंगे जिस कार्बोहाइड्रेट में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, मतलब CHO ग्रुप होगा। उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, एल्डोज। और जिस कार्बोहाइड्रेट में हमारा कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, मतलब बोले तो सी डबल बॉन्ड ओ और ये हमारा दो बॉन्ड ओ, जिस जिस कार्बोहाइड्रेट में हमारा कीटोन ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे कीटोज। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, कीटोज। इसके एग्जांपल लेना है तो इसका एग्जांपल ले लो आप, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोज, और डी फ्रक्टोज। ठीक है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आपको देखना है तो इनके इनके स्ट्रक्चर खींचे और जरा देखिए कि क्या है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं, इसमें देखिए क्या इसमें कीटोन ग्रुप है कि नहीं। तो आपको देखना है तो चलिए स्ट्रक्चर भी ड्रा कर देते हैं। आइए डी ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। डी ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। ठीक है, अब 6 कार्बन है तो देखो इसका स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का कैसा होता है, ऐसा सी 6 कार्बन कर लो, 3 4 5 6, यहाँ पे CH2OH लिख लो, यहाँ पे CHO, देखो यहाँ पे H तो यहाँ पे OH, पलट दो इसको, इधर OH तो इधर H, फिर इसको पलट दो तो हो जाएगा इधर H तो इधर OH। अब जो ये है वही वाला इस पे भी हो जाएगा H। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। तो जरा इसमें देखो क्या इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, जी हाँ है, देख लो CHO, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। इसका मतलब
ये जो हमारा डी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स है इसको हम एल्डोज कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी बात करते हैं डी फ्रक्टोज का फिगर बनाते हैं। डी फ्रक्टोज का फिगर कुछ ऐसा होता है, 6 कार्बन बनाओ, 3 4 5 6 CH2OH CH2OH डबल बॉन्ड वो कर लो, इस बार इसको ऊपर रख दो, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा OH। तो देखो ये फिगर जो है, ये फिगर है हमारा डी फ्रक्टोज का। तो जरा इसमें देखो क्या इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ है, कीटोन ग्रुप देखो ना, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर इधर सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब इसमें हमारा इस स्ट्रक्चर में कीटोन ग्रुप है, मतलब डी फ्रक्टोज वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम कीटोज कह सकते हैं, मतलब डी फ्रक्टोज इज द एग्जाम्पल ऑफ कीटोज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने सिखाया कि आपको तीन तरीके टोटल हो गए, एक नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के बेस पे, दूसरा रिएक्टिविटी के बेस पे बांट सकते हैं, और थर्ड फंक्शनल ग्रुप के बेस पे बांट सकते हैं। ये एग्जाम में दो दो नंबर तीन तीन नंबर के पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपको ऐसा चीज़ पता होना चाहिए, व्हाट आर एल्डोज, व्हाट आर कीटोज। तो छोटे छोटे टर्म्स थे जिसको मैंने आपको बताया, क्योंकि आने वाले समय में ये वर्ड्स मैं यूज करूँगा, तो इसके लिए आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।